तो वेट इज अप गाइस, कैसे हम सभी लोग। तो आज के स्टूडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में, जो कि लीक हो चुकी है अनडिस गाइस, यानी कि बिना कैमोफ्लेज के लॉन्च से पहले। जो आप लोगों को पता होगा, जो जापानीज कार मेकर है वो अपनी गाड़ी को अनवील करने वाला है 21 नवंबर में इंडोनेशिया में। उसी के साथ साथ 25 नवंबर में हमें इंडिया में भी ये गाड़ी रिवील होती हुई नजर आ जाएगी। इवेंट से पहले जो नई इनोवा क्रॉस है वो हमें पूरी की पूरी देखने को मिल चुकी है, और इस गाड़ी का जो धूम मचा हुआ है वो काफी ज्यादा मचा हुआ है। आप काफी लोग कह रहे हैं कि भाई टोयोटा का इनोवा का हाई क्रॉस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर जो फ्रंट जो है वो पूरा का पूरा लीक हो चुका है। को बता दूं जो इसके फ्रंट फीचर्स हैं, उसमें हमें अपडेटेड हेक्सागोनल ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें क्रोम के एक्सेंट भी देखने को मिल जाते हैं। सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें ऑफिशियल टीजर्स में देखने को मिला है जो ऑटोमेकर ने रिलीज करे थे। इसमें हमें स्लीक हेडलाइट यूनिट्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि डिफरेंट है जो प्रीवियस जनरेशन आती थी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट जो है वो हमें नजर देखने को आ जाता है। तो ये मॉडल जो हमें देखने को मिलता है वो या तो फिर बेस है या मिड लेवल ट्रिम है, क्योंकि इसमें हमें एलईडी डीआरएल फॉग लैंप और सनरूफ जैसे फीचर्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो टोयोटा ने हो सकता है रिजर्व कर रखे हो सनरूफ वगैरह टॉप स्पेक वेरिएंट्स के लिए। और इसमें हमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और इसमें न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। टोयोटा जो है वो काफी टाइम से इनोवा हाईक्रॉस को टेस्ट कर रहा है, हमें काफी ज्यादा इसके कैमोफ्लेज म्यूल्स भी देखने को मिले हैं, हमें काफी ज्यादा बेटर आइडिया है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नई जनरेशन के लिए। सो काफी ज्यादा साइड से भी आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा सा लीक हुआ है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो पीछे से थोड़ा बहुत सिमिलर ही लग रहा है इनोवा की तरह। जो इनोवा हाईक्रॉस होने वाली है उसमें हमें काफी ज्यादा अलग से डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एमपीवी लाइनअप में हमें देखने को मिलते हैं, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट जो डिजाइन एलिमेंट्स हमें इस गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमें हाई और स्ट्रेट बोनट लाइन देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा कर्व जो है वो रूफ लाइन भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा एसयूवी को रिजेंबल करते हैं। जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस आने वाली है वो हमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमें हाइब्रिड मोटर भी प्रोवाइड की जाएगी। जो नया इंजन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2.4 लीटर का जो डीजल इंजन आता था उसको रिप्लेस करेगा, जो कि इन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि उसकी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस गाड़ी के लिए वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या डिजाइन वाइज तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी। तो आप लोग अपना नीचे कमेंट जो है वो जरूर से ड्रॉप कर देना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।